हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट ऑफ विनी। फ्रेंड्स, पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से मार्च क्वार्टर के फिनंशियल रिजल्ट्स आउट हो चुका है, तो चलिए हम लोग रिजल्ट्स को एनालिसिस करेंगे, जो कि ऑडिटेड फिनंशियल रिजल्ट है स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड का क्वार्टर और ईयर एंडेड का, जो कि पेश हो चुका है। साथ में कंपनी की तरफ से 85 पैसे पर इक्विटी शेयर की एक डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। यहाँ पर कंपनी जो है उससे पहले जो है कंपनी की इंटरिम डिविडेंड अनाउंस की थी, जो कि 37.5 रुपीज़ पर इक्विटी, सॉरी फ्रेंड, 37.5 पैसा जो है सो कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड रिकमेंड किया, ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड पे की थी, जो कि 5 अगस्त 2021 को 40 पैसा जो है सो 8 नवंबर को की थी, 40 पैसा 11 फेब को की थी, और टोटल डिविडेंड अगर बात करें FY22 में तो 2.025 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है इस बार, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे हम लोग कंपनी का फिनंशियल रिजल्ट्स की ओर बढ़े। कंपनी के जो रिजल्ट्स है यहाँ पे स्टैंडअलोन रिजल्ट है, लैक्स में नंबर्स है, करोड़ में बात करेंगे। इनकम की बात करें 286 करोड़ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 265 करोड़ था। मार्च 21 क्वार्टर में 189 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर दोनों में जंप देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट्स की बात की जाए यहाँ पे, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 11 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 21 क्वार्टर में 21 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ओवर क्वार्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप हुआ है, लेकिन ईयर ओवर ईयर में माइनर सा डाउन देखने को मिला है। वहीं EPS की बात की जाए तो 6.24 रुपीज़ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से बहुत ही शानदार ग्रोथ है, लेकिन ईयर ओवर ईयर में थोड़ा सा डाउन होती हुई नज़र आ रहा है EPS में भी। तो फ्रेंड्स, कंपनी का जो स्टैंडअलोन रिजल्ट है वो एवरेज देखने को मिला, उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। वहीं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो लैक्स में नंबर्स है। इनकम की बात की जाए 286 करोड़ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 265 करोड़ था। मार्च 21 क्वार्टर में 191 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर दोनों में तेज़ी देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट्स की बात की जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया है इस बार 20 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च 21 क्वार्टर में 23 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ओवर क्वार्टर के प्रॉफिट में अच्छी खासी जंप है, लेकिन ईयर ओवर ईयर के प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। फ्रेंड्स, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन दोनों के प्रॉफिट्स में जो है ईयर ओवर ईयर में डाउन होता हुआ देखने को मिला है। वहीं EPS की बात करें 6.24 रुपीज़ है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर में तो ग्रोथ है, लेकिन ईयर ओवर ईयर में उसी तरह माइनर सा डाउन देखने को मिला है। फ्रेंड्स, कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज है, उतना सा परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई है। तो अब जो है हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक्स को लेके कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।